अस्सलामुअलैकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ मसाला चॉप्स बनाना। तो मसाले वाली चॉप्स बनाना तो उसमें हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं बताती हूँ। मैंने चॉप्स ली है, मेरे पास 1 kg चॉप्स हैं, 250 ग्राम इसके अंदर योगर्ट है, जो योगर्ट है थिक योगर्ट है। इसमें ऑयल हमारे पास चाहिए, हमें ऑयल जो है ये आपने दो या तीन सर्विंग स्पून डाल दीजिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं होता। और मैंने प्याज़ें ली हैं, इसमें ऑनियन ली है, हमने 4 प्याज लिए, ऑनियंस ली हैं इसके अंदर जो मेरे लार्ज साइज की हैं। और गार्लिक और जिंजर का 1 टेबल स्पून है ये। और ये पपीता है, इसके मैं क्या करती हूँ कि सारे पपीते को छिलके के साथ ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बना के फ्रीज कर देती हूँ, बाद में जितना भी आपको चाहिए वो आप इसके अंदर डाल लें। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून कच्चा पपीता लिया है। और हरा धनिया है हमारे पास, कोरिएंडर पाउडर है इसके अंदर, कोरिएंडर है और इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर है। और इसमें 4 से 5 आप हरी मिर्चें ग्रीन चिली ले लें। सॉल्ट लिया है मैंने 2 टीस्पून, मैं कम सॉल्ट डालती हूँ, अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें और डाल लीजिएगा। 2 टी स्पून सॉल्ट आ गया, 1 टी स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर है और 1 टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर जी कोरिएंडर पाउडर है, धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून इसमें क्यों भर के, जो बड़ा टेबल स्पून है भर के लीजिएगा ही फुल 1 टेबल स्पून। और इसमें टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून है। अच्छा, जायफल जावित्री है, इसमें से मैं थोड़ी सी ही लूँगी और ये थोड़ी सी, तो इसको हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर जायफल जावित्री को। जब मैं बनाऊँगी इसका थोड़ा सा ऐसे पाउडर कर लें बारीक बारीक से, इसको इस तरीके से करने के बाद बस इतनी सी काफ़ी है, मतलब आपने दोनों का मिला के 1/2 टीस्पून कर लेंगे। देखें ये हम इसमें डालेंगे और बस आगे बनाना शुरू करते हैं। पतीली लेनी है, उसमें अपनी चॉप्स डालिएगा। चॉप्स डालने के बाद उसके अंदर जी प्याज डाल दें, प्याज ग्राइंड है, मैंने जो 4 ऑनियंस लिए हैं लार्ज साइज उनको ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर में। योगर्ट चला गया 250 ग्राम योगर्ट चला गया, कच्चा पपीता चला गया, इसमें 3-4 टेबल स्पून कच्चा पपीता आ गया, अदरक गार्लिक का पेस्ट चला गया, गार्लिक और जिंजर का, हरी मिर्चें और हरा धनिया थोड़ा सा मैं इसमें डाल लेती हूँ, बाकी हरी मिर्चें हरा धनिया चला गया इसके अंदर, सॉल्ट चला गया। इसको लगाने के बाद आप इसको आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा रख दें, जितनी देर रखेंगे उसका स्पाइसेस सारे उसमें मज़ा टेस्ट आ जाएगा। इसमें रेड चिली पाउडर चला गया, गरम मसाला चला गया, कोरिएंडर पाउडर चला गया, क्यूमन सीड क्यूमन पाउडर चला गया 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून चला गया, जायफल जावित्री चली गई 1/2 टीस्पून मिक्स। तो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देते हैं और मैं इसको आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको 1 घंटे रखें, आधा घंटा रखें, लेकिन इसे बना के फ्रिज में रख सकते हैं। जिस टाइम भी आपने कुक करना हो इसके अंदर ऑयल जाएगा, ऑयल मैं आपको दिखाती हूँ। दो टेबल स्पून समझे चला गया इसमें और ये 3। तो इस सारी चीज़ों को मिलाने के बाद मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से। तो जब सारी चीज़ें आपकी मिक्स हो जाएं, इसको कवर करके फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में रख दें, लेकिन अगर किचन में ठंडक है, एसी ऑन है किचन में, तो फिर आप किचन में ही रख दें इसको। तो मैं इसे किचन में ही रख रही हूँ 1 घंटे, आधा घंटे के लिए। तो उसके बाद फिर मैं इसको कुक करूँ। इसको देखें मैंने आधा घंटा रख दिया, अब आधे घंटे बाद में इसके अंदर मैंने इसको बस अब कुक करने के लिए ऊपर रखा है, लो टू मीडियम पर आप इसको रख दें। जब आधा गल जाए ना, मेरे ख्याल से 10 मिनट में, क्योंकि इसमें कच्चा पपीता डाला हुआ है तो ये जल्दी हो जाएगा। तो जब ये आधा गल जाएगा तो फिर हम इसको, मैं आपको दिखाती हूँ आधा गल, पहले गला लें इसको, हम कवर करके रख दें आप इसको 15 मिनट के लिए, मैक्सिमम 15 मिनट के लिए इसको रखते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ।
देखें जी, ये 15 से 20 मिनट हो गए इनको कुक होते हुए, आधी गल गई हैं। तो मैंने कहा मैं आपको आधे गल जाएंगी तो फिर मैं दिखाऊंगी। देखें ये आधी गल गई हैं और ग्रेवी इसकी ऐसी हो गई है। इसको हमने तकरीबन अब आप बस ये चेक कर लीजिएगा कि जब तक आपकी बोटी गल ना जाए इसको इसी पे कुक करना है, क्योंकि इसमें पता पानी तो है नहीं कि इसके पकता रहेगा और फिर पानी ड्राई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पानी तो इसमें कम ही है। अब आप ऐसा कीजिएगा कि इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर गला लें, हल्की आँच पर ही पक रहा है क्योंकि इसमें कच्चा पपीता है तो ये जल्दी ही हो जाएगा। तो अब इसको मैं फिर कवर कर रही हूँ, हल्की आँच पर रख रही हूँ। तो उस पर ये है कि इसको 15 मिनट हम और 15-20 मिनट मतलब अब बस ये कि हल्की आँच पर पकाना है। तो फिर पका के मैं आपको दिखाती हूँ गला के। चॉप जो है हमारी गल गई है। अब सही, अब इसको ना मैं बस इसका जितना ही पानी आपने ड्राई करना है, अगर ग्रेवी वाली रखनी है इसमें तो इतनी ही ग्रेवी रख लें गाढ़ी गाढ़ी, और अगर आपने इसको भुनावा बनाना है मसाला ज़रा, तो मैं इसको ज़रा भुनावा बना रही हूँ, उसका पानी खुश करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जिसका सारा पानी ड्राई हो गया है और ये मतलब सही रेडी हो गई है। मतलब मुझे इसमें इतनी थिकनेस रखनी है, अगर आपको उसको पतला करना है तो शोरबे वाली कर लें, और अगर शोरबा नहीं है तो उस तरह ड्राई कर लें। तो इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हाँ जी, देखिए मैंने डिश आउट कर ली है इसे लेमन और कोरिएंडर के साथ फ्रेश। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्सअप करें, लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।